हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिक का मतलब ट्राइंगल्स। और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री ट्राइंगल्स का मेजरमेंट से कुछ रिलेटेड है। अब हम ट्रिगोनोमेट्री के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। सपोज ये एंगल है थीटा, एंगल ए इज थीटा। तो थीटा के लिए और एंगल बी इज 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूस हमेशा राइट एंगल का ऑपोजिट में होता है, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूस। देन थीटा का ऑपोजिट क्या है? इसको ऑपोजिट साइड बोलते हैं, और एल्स यू कैन ऑल्सो से द परपेंडिकुलर साइड, और द रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड। अब देखिए ये सब टर्म्स रिलेटेड है टू दिस थीटा। अगर ये एंगल सपोज लिए तो ये एडजेसेंट हो जाता है और ये ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन हम कोई भी एंगल लेने से हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूस हमेशा राइट एंगल का ऑपोजिट में रहता है। तो आप देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन ये सब लिखा होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन मैं सिंपल एक एक ट्रिक समझाता हूँ। ये टर्म याद रखिए, सो का टोआ, SOCHTOA। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से याद करिए। यहाँ से आपको सब फॉर्मूला मिल जाएगा। सो का मतलब है साइन इक्वल्स ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। देन का मतलब है ये साइन ये होगा साइन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल्स एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। और टेन हुआ टेन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब देखिए इसको याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा किए तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। सो दिस विल बी अब देखिए हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो गया, रिजल्ट है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या है? टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और अब देखिए कॉसेक थीटा इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, एंड
cot theta is the opposite of tan theta. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर और भी पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन।